हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। मैं एके ऑटोमेशन से अविनाश सिंह, और आज हमारे साथ देखेंगे आप न्यू लॉन्च नोट काउंटिंग मशीन है जो कि मैनुअल वैल्यू कैलकुलेशन के साथ आती है। इसमें आपको चारों सेंसर मिलने वाले हैं, ऐड और बैच की फैसिलिटी के साथ मिलेगा जो कि काफ़ी ईजी टू यूज है। तो इस वीडियो को हम पूरा देखेंगे। मशीन का मॉडल टेलर है और नया लॉन्च मशीन है, अभी मार्केट में बहुत कम लोगों के पास है। तो चलिए इसको फटाफट हम पूरा वीडियो देखते हैं, और खरीदने के लिए वीडियो के लास्ट में आपको डिटेल मिल जाएगी, चाहे तो हमारी वेबसाइट एके ऑटोमेशन से जाकर परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मशीन की अनबॉक्सिंग करेंगे। थोड़ा कैमरे का एंगल हम सेट कर लेते हैं बॉक्स के अकॉर्डिंग। ये देखिए, इस तरीके से बॉक्स आएगा आपका। सिंपली आपको बेल्ट मिलेगी, ये बेल्ट निकालनी है, उसके बाद आपको बॉक्स ओपन कर लेंगे। मैनुअल बुक मिल जाएगा स्पेयर पार्ट्स के साथ, फ्यूज है, स्क्रू है, ठीक है, बेल्ट है। और जब इसको आगे ओपन करेंगे तो आपको देखिए एक्सटर्नल डिस्प्ले भी मिल जाएगा, अगर आपको यूज़ करना है तो लगा सकते हैं काउंटर वगैरह पे। ये पावर कॉर्ड रहेगी, ठीक, और मैनुअल बुक रहेगा, और साथ में ये रहेगी मशीन का बॉक्स है आपका। मशीन के ऊपर ही आपको मिल जाएगा हैंडल, इसको पकड़ के आपको निकाल लेना है। बाकी थर्माकोल की पैकेजिंग है, इसको बॉक्स में छोड़ देते हैं। और पॉलिथीन कवर से निकालेंगे मशीन को, बॉक्स कर देते हैं अभी साइड। बाकी आप देखना चाहें तो डिटेल आप बॉक्स में भी देख सकते हैं। यहाँ आपको इसकी स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिख जाएगी कि 200 नोट ऊपर स्टैकर कैपेसिटी है, 1000 काउंटिंग स्टैंडर्ड स्पीड है, वेट डिटेल सब आपको यहाँ मिल जाएगा। और इधर आप देखेंगे क्या क्या फंक्शन फीचर्स अवेलेबल हैं, वो मैं वीडियो के दौरान भी इनको करके दिखाऊंगा यूज़ करके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाकी हमारा मशीन के अकॉर्डिंग अब एंगल हम सेट करते हैं। सबसे पहले हम मशीन को पावर ऑन करेंगे, उसके लिए करते हैं। मेरे पास एक्स्ट्रा पावर कोड है, मैं यही यूज़ कर लेता हूँ। बैक साइड में देखेंगे आपको यहाँ पावर कोड लगाने के लिए पॉइंट मिल जाएगा, इसमें प्लेस कर देंगे। एक्सटर्नल डिस्प्ले लगाना है वो भी चलिए हम लगा के देख लेते हैं। ये कस्टमर को दिखाने के लिए होता है, इसको कई लोग कस्टमर डिस्प्ले भी बोलते हैं, एक्सटर्नल डिस्प्ले भी बोला जाता है, ठीक है। आपको जितनी ज़रूरत हो उतनी वायरिंग खोल सकते हैं। अभी फिलहाल फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपको यहाँ पर प्लेस कर देना है, ये लग गया। यहाँ आपको देखिए स्टैंड भी मिल जाता है, अगर वॉल में टांगना है तो टांगने के लिए भी ऑप्शन है। अभी हम स्टैंड पे लगा लेते हैं और मशीन को करते हैं सीधा। पीछे पावर कोड स्विच ऑन करने का मेन स्विच है, यहाँ से आप ऑन कर लेंगे मशीन। हैवी ड्यूटी मशीन है ये आपकी, ठीक। अब इसका एंगल सेट कर लेते हैं प्रॉपर एकदम क्लोजअप के साथ, ताकि एकदम क्लियर आपको सब कुछ क्लियर समझ आ जाए। ये हो गया हमारा एंगल सेट। अब देखिए इसमें जो जो फंक्शन ऑन है, यहाँ आपको शो कर रहा है यूवी एमजी आईआर, ठीक है, एमटी, ये चारों डिटेक्शन सेंसर है, और ऑटो मशीन चल रही है, वॉइस फीचर भी इसमें है ऑन, ठीक है। अब यूज करके देखेंगे। ये हमने कुछ नोट ले लिए हैं, बड़े नोट भी हैं, छोटे नोट भी हैं। छोटे में 20 के नोट हैं, बड़े में 500 के नोट हैं। तो सबसे पहले हम 20 के नोट काउंट करके देखते हैं। नोट आपके हमेशा बराबर होने चाहिए, उल्टे सीधे हो सकते हैं, लेकिन बराबर दाएं बाएं से बराबर होने चाहिए। और जब भी नोट प्लेस करें ऐसे स्लाइड करके नोट छोड़ देंगे आपको। जैसे ही नकली नोट आएगा मशीन में, मशीन के देखिए मेन डिस्प्ले आपका रेड कलर में बदल गया, और मशीन ने सबसे पहले स्पीकिंग के जरिए बताया कि सस्पिशियस नोट आया है। तो और बीप दे रही है रुक रुक के, तो इसका मतलब है नकली नोट आया। स्क्रीन पर मैसेज और एरर कोड आ जाएगा, ये आपका नकली नोट है या खराब नोट बोल दें, ठीक है। साइड करेंगे, आगे की काउंटिंग करेंगे। अभी टोटल 101 पीस लेगी, ठीक है, जिसमें कि 100 नोट रियल थे, एक डुप्लीकेट था जो कि हमने साइड में कर दिया। तो ये नॉर्मल बिल काउंटर में यही फंक्शन के साथ आता है। तो आप दोबारा जब भी नकली नोट आए निकालने के बाद रीचेकिंग कर लें तो आपको रियल नोट एक्चुअल कितने हैं वो पता चल जाएगा। इस बार कहीं रुकी नहीं मशीन, तो ये आपका 100 नोट है कि रियल के रियल। साथ में बड़े नोट को भी काउंट करके देख लेते हैं। हर तरीके के इंडियन करेंसी नोट के लिए बनी है मशीन, ये बड़े नोट है। अभी मेरे पास 500 का नकली नोट नहीं है, 100 का है, उसी को मैं प्लेस कर देता हूँ। जैसे देखिए ये 100 का नकली नोट आया, इसको मशीन ने रोक दिया, इसको भी साइड कर लेते हैं, काउंटिंग कंप्लीट करते हैं। 14 पीस है यानी 7000 रुपये, दोबारा प्लेस करता हूँ। इस बार कहीं नहीं रुका, क्योंकि नकली नोट नहीं था। तो ये आपने काउंटिंग एंड डिटेक्शन देख लिया। आगे के फीचर देखते हैं क्या क्या है इसमें। इसमें आपको देखिए यहाँ से सीएफ मिला, सीएफ मतलब क्लियर, जैसे रिस्टार्ट से भी आप क्लियर कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, और दूसरा फंक्शन है इसमें ऐड का। जब आपको कंटिन्यू काउंट करना हो, बार बार नोट काउंट करना है, तो आप ऐड एक्टिवेट कर सकते हैं, और उसके बाद आपका जितनी बार भी नोट प्लेस करेंगे इसमें कम होता जाएगा। जैसे अभी फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं 100 नोट है, उसके बाद दोबारा हम इस गड्डी को हटा कर दूसरी गड्डी लगाते हैं, तो 100 के बाद आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये ऐड मोड होता है जिसमें आप लगातार काउंटिंग करते जाएंगे और कम होता जाएगा, ठीक है। तो हमने दो बार किया, 200 हो गया, एक बार और करके देखते हैं 300 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये सम करता जाएगा। आगे चलते हैं,
ऐड के बाद ये देखिए करेंसी मोड है, यूएस डॉलर भी आप काउंट एंड डिटेक्शन कर सकते हैं, यूरो कर सकते हैं, रुपीस कर सकते हैं, तीन करेंसी आप काउंट एंड डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डीडी का फंक्शन अब खत्म हो गया, पुराने नोट होते थे तो उसके लिए होता था, लेकिन इसमें दिया गया है मैनुअल का ऑप्शन। यहाँ जैसे ही मैनुअल दबाएंगे तो हमारा ऑटो फीचर खत्म हो गया। नए यूजर्स के लिए होता है कि जो नोट रखने में जिनको हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होती है, तो पहले आराम से नोट रख लें, देन स्टार्ट बटन से आप काउंटिंग करेंगे। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए नोट रखने की तो आप इसमें ऑटो मोड आ जाएंगे। वो कैसे, मैनुअल को दोबारा प्रेस करेंगे ऑटो आ जाएगा। तो ऑटो में क्या होता है कि नोट रखते ही आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। इससे क्या है कि बार बार आपको रिस्टार्ट बटन नहीं दबाना पड़ेगा तो आपकी काउंटिंग फास्ट होगी। उसके बाद सेमी वैल्यू का फीचर देख लेते हैं। सेमी वैल्यू का फीचर देखने के लिए आपको क्या कुछ नहीं करना है, यहाँ वैल्यू दबाएंगे तो देखिए जैसे वैल्यू दबाया आपके पास 2K की वैल्यू आ रही है, यानी कि 2000 की नोट की। दोबारा दबाएंगे, आप वैल्यू दबाएंगे दोबारा तो आपके देखिए 1K की आ गई, 500 की आ गई, 200 की आ गई, 20, 100, 50, जितने भी नोट है हमारे 20 के नोट है। अभी दोबारा दबाऊंगा तो 10 की भी आ जाएगी। 20 के नोट है तो 20 के अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकाल लेंगे, जितने भी नोट होंगे उसके अकॉर्डिंग वैल्यू इसकी मल्टीप्लाई करके 2000 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि अभी हम 500 के नोट हैं तो हम 500 की वैल्यू चूज करेंगे। ये 500 की वैल्यू चूज कर ली। ठीक है, अब ये देखिए 14 नोट होंगे, 13 नोट है तो आप क्या करेंगे 6500। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बैच का फंक्शन देखेंगे। तो वैल्यू को हम करते हैं क्लोज। बैच का फंक्शन देखने के लिए, बैच क्या होता है, जैसे हम यहाँ 200 नोट डालते हैं तो 100-100 के बैच बनते हैं, नॉर्मली 100-100 की गट्टी बनती है। अभी मैं यहाँ बैच दबाऊंगा तो हमारा कितना आ जाएगा, पहले तो वैल्यू क्लोज करेंगे 10। वैल्यू को प्रेस करके रखना है तो आपकी वैल्यू क्लोज हो जाएगी। अब बैच पे आते हैं, बैच देखिए 100 का डिफॉल्ट बैच आ रहा है, ये 100 नोट है तो 100 ही काउंट होंगे, लेकिन हमें कम की वैल्यू बनानी है तो सीधा हम डिजिट प्रेस कर देंगे जितने का बैच बनाना है। 50 का बैच बनाना है तो 50, हमने 100 नोट प्रेस किए हैं, 50 काउंट होंगे। ठीक, जितने का भी बैच बनाना है, जैसे गड्डी में साहब 20 नोट निकालें, 40 नोट निकालें, 45 नोट निकालें, आप यहाँ से प्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसमें से 30 नोट निकालें तो मैं यहाँ 30 प्रेस कर दूंगा, 30। अब ये 30 नोट काउंट करने के बाद मशीन रुक जाएगी, फिर हटाएंगे तो नेक्स्ट 30 आएंगे, तो 100 नोट थे, 30 के नोट आएंगे, सॉरी, और लास्ट में जो बचेंगे वो आ जाएंगे। तो ये हमारा बैच का सिस्टम हो गया। अब लास्ट चीज़ रहेगी इसमें वॉइस कैसे क्लोज करना है। तो जब भी मशीन आप ऑन करते हैं, कई बार होता है ऑफिस में डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं चाहिए होती है, तो वॉइस हमें नहीं चाहिए, तो दूसरों को डिस्टर्बेंस ना हो, सुनाई ना दे क्या काम कर रहे हैं, तो आपको चुपचाप काम करना है। तो आप ये स्टार्ट प्लस वॉइस का बटन दबा के बस मशीन ऑन कर देंगे, वॉइस क्लोज हो जाएगी। सेम प्रोसीजर है मशीन वॉइस ऑन करने का भी, जब भी ऑन करने से पहले आप जो बटन दबा के रखेंगे, अगर ऑन होगी तो ऑफ हो जाएगी और ऑफ होगी तो क्लोज हो जाएगी। तो ये हमारी देखिए अभी वॉइस क्लोज हो चुकी है। अब कोई मशीन कोई फंक्शन ये वॉइस करके नहीं बताएगी, जैसे कि नकली नोट को रोक के बताती थी स्पीकिंग करके। अब देखिए यहाँ वॉइस का फीचर नहीं आ रहा, तो अभी नकली नोट को रोकेगी, ठीक है, इस तरीके से, और आगे की काउंटिंग करेंगे। अभी एक नकली नोट को भी गिनती में लिया है, दोबारा हम इसको रिप्लेस करेंगे तो ये रियल वाले 100 नोट बता देगी। तो आई होप वीडियो पसंद आया। मशीन खरीदने के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं सामने दिए गए नंबरों पे, और हमारी वेबसाइट पे भी बहुत जल्दी मशीन उपलब्ध हो जाएगी। और कोई अन्य मशीन खरीदने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि अभी लेटेस्ट मशीनें चल रही है मिक्स नोट काउंटिंग की, वो आपको कम दामों पर मिल जाएंगी। मैं KS ऑटोमेशन से एनआर सिंह, जय हिंद जय भारत।